हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एचएम शॉप सिनाना में। आज मैं आप सबके लिए नया टॉपिक लेकर आई जिसका नाम है ऑन जॉब ट्रेनिंग कब लगती है। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑन जॉब ट्रेनिंग ये लगती कब है, हर किसी स्टूडेंट का जो है क्वेश्चन होता है। जैसे एंटर करते हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं, थर्ड सेमेस्टर में, और फिर जो है वो जो उनकी जब थर्ड सेमेस्टर आता है, उनकी जब आईटी लगती है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, फिर उनके माइंड में आता है हमारी ऑन जॉब ट्रेनिंग कब लगेगी। तो आपकी जो ऑन जॉब ट्रेनिंग लगती है वो लगती है लास्ट सेमेस्टर में। कोई कोई कॉलेज है वो पहले करवाता है। वैसे तो आपकी जो ऑन जॉब ट्रेनिंग लगती है वो लास्ट में लगती है, जब आपका सेमेस्टर खत्म पे होता है। जैसे मान लीजिए एट्थ सेमेस्टर है, एट्थ सेमेस्टर में आपकी कोई स्टडी नहीं होती, कुछ नहीं होती, सीधा आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग मीन्स 6 मंथ की आप वहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद आपकी जो है सीधा जॉब। आपको किसी और होटल में नहीं जाना पड़ेगा, किसी और होटल में आपको कहीं पर भी इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा। जहां आपने एक बार इंटरव्यू दे दिया और वहां आपकी ट्रेनिंग है और वहीं आपकी सीधा जॉब है। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है जिनकी जो कॉलेज जो है ऑन जॉब ट्रेनिंग करवाता है, मीन्स वो प्लेसमेंट करवा के आपको दे रहा है। तो उसको कहते हैं प्लेसमेंट, कि कौन सा कॉलेज जो है प्लेसमेंट करवा के दे रहा है और वो किस तरह से प्लेसमेंट करवाता है। वो इसी तरह से जो है कॉलेज प्लेसमेंट करवाता है कि जब उनकी वो बोलते हैं कि ऑन जॉब ट्रेनिंग है, लास्ट में आईटी होती है ऑन जॉब ट्रेनिंग। अब आप सोच रहे हैं जो हमारी ऑन जॉब ट्रेनिंग है क्या हमारी जेटी होती है या नहीं। नहीं, आपकी जेटी नहीं होती। ऑन जॉब ट्रेनिंग का मतलब ही जेटी एंड जॉब दोनों ही होती है, मीन्स 6 मंथ की आपको जेटी की तरह ही आपसे जो है काम करवाया जाता है उसी फील्ड में जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, और उसमें आपको जब जेटी करते हैं उसी के साथ ही आपकी जॉब लग जाती है, उसको कहते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग। और इसका मतलब यही होता है कि आपने वहाँ पर ट्रेनिंग करी जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, और वहाँ पर 6 मंथ करने के बाद सीधा आपकी जॉब लगती है। 6 मंथ जॉब करते हो और अब आप सोच रहे कि इसमें सैलरी मिलती है या नहीं मिलती। 6 मंथ जब आप करते हो वो एक तरह की ऑन जॉब ट्रेनिंग में जेटी हो गई, तो उसमें आपको स्टाइफंड मिलता है। 6 मंथ तक आपको स्टाइफंड मिलेगा, उसके बाद आपसे साइन करवा लिए जाएंगे और आपकी वहाँ पर जॉब पक्की, और फिर आपको एम्प्लॉय की तरह जो है आपको सैलरी मिलेगी। ऑन जॉब ट्रेनिंग में ये होता है कि आप एक ट्रेनिंग के तौर पे नहीं होते वहाँ पर, आप एक जॉब की तरह मीन्स एम्प्लॉय की तरह वहाँ पे आप काम करते हो और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे दी जाती है। जो एक कुमी थर्ड की, मैं फॉर एग्जांपल की बात कर रही हूँ, जो एक कुमी थर्ड की जो है पोजीशन होती है, एक कुमी थर्ड की वहाँ पे जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सारे काम आपको करने पड़ते हैं। तो ऑन जॉब ट्रेनिंग लगती है लास्ट सेमेस्टर में, उसके बाद आपकी जब क्लियर हो जाती है 1 वीक के लिए आप कॉलेज वापस आते हो, और फिर कॉलेज में आपसे कुछ क्वेश्चन जो आपके ट्रेनिंग मैनेजर होते हैं वो आपसे पूछते हैं, और फिर वो उनका आंसर आप दे देते हो। उसके बाद आपका रिजल्ट आता है 6 मंथ बाद आपका जो रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको डिग्री मिल जाती है। बट अब आप सोच रहे होंगे कि अगर 6 मंथ बाद हमारी जो है डिग्री आएगी या रिजल्ट आएगा तो उससे उसके बीच हम क्या करेंगे। आप वहीं पर जिस होटल में आपकी लगी है वहीं आप जॉब करते रहेंगे और आपको सैलरी भी मिलती रहेगी, और बाद में आपकी जो है डिग्री भी आ जाती है। और जब आपकी डिग्री आ जाती है और फिर आपको वो डिग्री जो है सबमिट करवानी पड़ती है होटल में जहाँ पे आप जो है काम कर रहे हो, और होटल में जो HR है उनको पता होता है कि हाँ 6 मंथ बाद आपकी डिग्री आ जाएगी, और फिर वो जॉब हो जाती है, बट आपकी जॉब पहले ही लग जाती है। तो इसको कहते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग, और ये लगती कब है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय, टेक केयर।